हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है राहुल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक और मज़ेदार वीडियो लेके, जहाँ पे आज आपको बताने वाले हैं कि IQ का नियोन 6 जो है वो बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। हम आपको उसके पूरी रिव्यू के बारे में बताने वाले हैं, उसका कैमरा, उसका प्रोसेसर, वो गेमिंग के लिए बना हुआ है, कितना चार्जर है उसमें, सब कुछ बताने वाले हैं। आप बने रहिए हमारी वीडियो में। हम हमारी वीडियो जो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। आगे बढ़ते हुए अगर बात करें तो IQ ने पिछले साल जो है वो काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन लॉन्च किए थे। इस साल भी उसने काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन लॉन्च कर चुका है, और आगे कुछ लीक्स के हिसाब से वो आगे भी बहुत अच्छे वाले फ़ोन लॉन्च करने वाला है। अभी फ़ोन की बात करें तो अभी जो लॉन्च करने वाला है वो है IQ का नियोन 6। इस फ़ोन की हम बात करेंगे, पर अभी अमेज़ॉन पर जो है कमिंग सून बता रहा है, वहाँ पे एक पार्टिसिपेट चल रहा है, वहाँ पे 2 लाख तक के इनाम आप जीत सकते हैं। अगर आपने पार्टिसिपेट अभी नहीं किया है तो वहाँ पे जाके कर लीजिए। और बात करें अगर फ़ोन की, तो फ़ोन जो है वो काफ़ी दमदार निकल के आता है, गेमिंग फ़ोन है। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर उसके अंदर स्नैपड्रैगन 817 आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी दमदार प्रोसेसर माना जाता है। और बात करें अगर डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी, एमोलेड डिस्प्ले आपको उसके अंदर बजललेस पंच होल देखने को मिलेगा, और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेशिंग रेट के साथ आगे कैमरा लगा हुआ है 16 मेगापिक्सल का। और पीछे की तरफ बात करें तो पीछे आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिल जाएगा, और दूसरा कैमरा जो आपको देखने को मिलेगा वो 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, और 2 मेगापिक्सल का आपको इसके अंदर सेंसर देखने को मिल जाएगा। पीछे आपको डबल LED फ्लैश देखने को मिलेगी। इसके मेन कैमरे से जो आप जो है 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, आप 10x तक जूम कर सकते हो, और फ्रंट कैमरा से जो है आप 30 FPS की रिकॉर्डिंग कर सकते हो Full HD में। और वहीं पे बैटरी की बात करें तो बैटरी इसमें काफ़ी दमदार ली पॉलीमर की निकल के आती है, जो कि 4700 निकल के आती है। और जो बात करें इसके चार्जर की, तो चार्जर इसके अंदर आपको 80 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है इसके अंदर, जो कि काफ़ी जल्दी जो चार्ज कर देता है। आप 15 से 20 मिनट अगर चार्ज पर रखते हो तो 0 to 50% ये काफ़ी फास्ट चार्ज कर देता है। और स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज आपको इसके अंदर 8 GB का रैम देखने को मिल जाएगा, और 256 GB का आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर स्टोरेज, जो कि काफ़ी दमदार निकल जाता है। ये बेसिकली जो है, ये जो है एक गेमिंग फ़ोन है, गेमिंग के लिए बहुत दमदार फ़ोन माना जाता है। और अगर बात करें इसकी लॉन्चिंग डेट की, तो लॉन्चिंग डेट जो है अभी तक ऑफिशियली अनाउंस कहीं पर नहीं किया गया है कि इस डेट को लॉन्च होने वाला है, पर हमने पता, अगर लीक्स की कुछ बात करें तो ये आपको मई के एंड तक देखने को मिल जाएगा, या फिर 29 या 30 तारीख को देखने को मिल जाएगा, और अमेज़ॉन पे लॉन्च होने वाला है ये। और बात करें इसकी प्राइस को, इसकी प्राइस निकल के आती है तकरीबन 30 से 33 हज़ार के बीच के अंदर, और इस प्राइस रेंज में ये फ़ोन जो है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। गेमिंग फ़ोन है, गेम के लिए दमदार है, बहुत सारे गेमर जो है काफ़ी पसंद करते हैं इस फ़ोन में गेम खेलने के लिए, तो एक अच्छी बात है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।